कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जयपुर में पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। इसके चलते चार दीवारी में कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत कर कोरोना को हराने को लेकर अपनी अनूठी भूमिका अदा की है। ऐसे में डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। तौर पर खाकी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे ज्यादा जो बात उभर करके सामने आती है वो होता है खौफ और डर, मगर ऐसा नहीं है। खाकी ने यहाँ पर पेशे से हट करके एक मानव धर्म के साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाई इस कोरोना के दौरान, और एक बड़ी अनूठी मुहिम के तहत एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए इस कोरोना को यहाँ से भगाने में अपना अहम योगदान दिया। हालांकि कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, मगर इसी के साथ अब लोगों को इसी के साथ जीना है, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका रही है आईपीएस हैं राजीव पचार साहब, डीसीपी नॉर्थ हैं, क्योंकि चार दीवारी से इस कोरोना की शुरुआत हुई थी और एक ऐसा दहशत फैल गया था जिसने पूरे राजधानी शहर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर अपना खौफ पैदा किया। हमारे साथ यहाँ पर राजीव पचार साहब, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव पचार साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले, चूँकि चार दीवारी के अंदर जो पैनिक शुरू हुआ था जिसकी 26 मार्च से शुरुआत हुई थी और एक भूचाल मचा दिया पूरे राजस्थान के अंदर, उसके बाद एक बड़ी मुहिम के साथ आपने कमान संभाली और इस कोरोना को जड़ से भगाने में अपना अहम योगदान दिया, किस तरह देखते हैं आप? मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जयपुर की जनता का, जयपुर के लोगों का, जिन्होंने इतना सहयोग पुलिस को दिया ऐसे कठिन समय में। जो बात उनको कही गई उन्होंने बिल्कुल शाब्दिक रूप से उसको मान के उनका आदेशों का पालन किया। मेरी पूरी फोर्स को जो यहाँ लगी हुई थी नॉर्थ जिले में, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ। उन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ा धैर्य, बड़ा संयम रखते हुए इस कठिन समय में ड्यूटियाँ दी। एक समय ऐसा आया था जब मध्य प्रदेश में और पंजाब में पुलिस के कुछ अधिकारियों की भी कोरोना में डेथ हो गई थी, और पूरी जो फोर्स थी उसमें एक चिंता का माहौल था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे जाब्ते ने, फोर्स ने पूरे जज्बे के साथ उन सारी चिंताओं को पार किया, पार पाया, और जो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 थे उनका बड़ा अच्छे से पालन चार दीवारी में करवाया। ऊपर के जो मेरे उच्च अधिकारी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिनका लगातार मार्गदर्शन ऐसे कठिन समय में हमें मिलता रहा और जिसके कारण आज के जो हालात हैं वहां तक हम पहुंच पाए। और आशा है कि यही सहयोग जयपुर की जनता का, हमारी जो टीम है उसका और ऊपर के अधिकारियों का हमें आगे मिलेगा, ताकि ये जो समस्या है जो आगे चलने वाली है, इसे हम निश्चित तौर पे जीत और पार पा पाए। 26 तारीख को पहला मामला आया सर, और पूरी जनता दहशत में आ गई थी। चार दीवारी को बंद करना इतना ईजी नहीं था, मोदी जी ने 2 बार अपील की और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, मगर जब अचानक से चार दीवारी के अंदर इस तरीके के कोरोना पॉजिटिव आ जाना, और एक बड़े मास एरिया के अंदर माइनॉरिटी जैसे लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सघन आबादी का इलाका है जो चार दीवारी है, उसमें एक थाना क्षेत्र की आबादी 4 लाख 5 लाख तक है, घरों में एक एक घर में 100-100 तक लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों में और लोगों की सामान्य जो आर्थिक जनजीवन है वो मध्यम से निम्न स्तर का है। ऐसी स्थितियों में लॉकडाउन की बिल्कुल अक्सर से पालना करवाना बड़ा कठिन काम था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। सबसे ज़्यादा मैं इसमें धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिनका समाज के जो लोग थे, जिम्मेदार लोग, वो आगे आए। उनके धार्मिक दोनों हिंदू मुस्लिम समाज समुदाय के रिलीजियस लीडर्स हैं वो आगे आए, मौजूद लोग आगे आए, और इन लोगों ने आके समाज के जो मौजूद लोग थे, सीएलजी के सदस्य थे, पुलिस मित्र थे, पुलिस के लोग थे, सब ने बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया, और जिसके कारण ये लागू बड़ी अच्छे से सख्ताई के साथ हो पाया। कुछ निश्चित तौर पर जो प्रारंभिक केस आया उससे पहले थोड़ी बहुत उसमें रही होंगी, लेकिन एक बार पॉजिटिव केस आने के बाद लोगों में खुद में भी चेतना भी आई, भय मिक्स चेतना आप कह लीजिए, जिसके कारण लोगों ने इसकी पालना की, और 2 महीने जिसमें पूरा रमजान का महीना भी गया, लोगों ने बड़ा संयम के साथ, धैर्य के साथ जो सरकार के निर्देश थे, जो सरकार के कानून थे, उनकी पालना की। राजीव पचार अपने आप में एक मिसाल बन चुके हैं, और चूंकि चार दीवारी के क्षेत्र में उनके जज्बे को देखते हुए तमाम जो पुलिस के जवान थे उनके अंदर एक जोश पैदा हुआ। बीते दिनों लगातार छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, लगातार आप उस काम से निकल करके आए और अचानक से सारी चीज हो जाना, अब उसके बाद अनलॉक हो चुका है पूरे बाजार, अब क्या जिम्मेदारी रही? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति ने, भारत का हर नागरिक ने उतनी जिम्मेदारी से अपना काम किया है जितनी जिम्मेदारी से हमने किया, और वो हर व्यक्ति उसी चीज की बधाई का भी पात्र है, क्योंकि
किसी एक व्यक्ति से या किसी एक संस्था से ये चीज़ें नहीं हो सकती। देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत विविधताएं हैं, हर व्यक्ति को मिलके लगना पड़ता है तभी इतने बड़े संकटों से हम पार पा सकते हैं। आगे निश्चित तौर पर ये बात आपकी सही है कि आगे आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक स्तर पर लोगों में बेरोजगारी आई है, आर्थिक अपराध बढ़ेंगे, हम ऐसा हमारा एंटिसिपेशन है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर अपराध, अब लूटपाट की घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं हैं, ये इनमें बढ़ोतरी होगी और इन चीज़ों को लेने निपटने के लिए हमारी तैयारी ग्राउंड स्तर पर चल रही है पहले से, और इन चीज़ों से भी हम निश्चित तौर से पार पा जाएंगे। ऐसी घटनाओं पर हम कंट्रोल रखेंगे और यदि कोई होगी तो उनका जो भी आगे की कार्रवाई है खोलना वो करते हैं। पेशेवर अपराधी आपके जिले के अंदर काफ़ी रहे हैं सर, किस तरह उन पर नज़र रखने के लिए आप तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, अब चूंकि ज़्यादातर लोगों के पास अपराधी हैं वो भी 2 महीने से घर में बैठे हैं, उनके पास भी पैसा ख़त्म हो चुका है जैसा हमारा मानना है, बातें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे वो बाहर आते ही पहला काम ऐसे लोग जो करते हैं वो अपराध की तरफ ही जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे उन व्यक्तियों पे नज़र रखी जा रही है कि वो क्या गतिविधियाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमिक स्टेटस में अचानक ऐसा कोई बदलाव तो नहीं आ गया है जो कि रूटीन के टाइम में या सामान्य दिनों में नहीं देखा जा रहा था। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड लगातार अपडेट किया जा रहा है, पहले भी राजपासा में कार्रवाइयाँ की हैं, राजपासा के लिए आगे भी हम तैयारियां कर रहे हैं। इनामी बदमाश थे, हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं लॉकडाउन में, जो लोग जयपुर शहर में बंद थे उनको उठा के बंद करने में, और आगे निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई कर लेंगे। बिल्कुल, ये थे राजीव पचार साहब जिन्होंने कोरोना वायरस के रूप में लगातार 4 दीवारी के अंदर एक बेहतर काम किया और लगातार उसी का नतीजा ये है कि अब 4 दीवारी के तमाम बाजारों को खोल दिया गया है। कुछ एक गलियां हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, इसके अलावा कुछ को यहां पर बफर जोन घोषित किया है। फिलहाल लगातार इसके साथ साथ अब सबसे ज़्यादा जो चिंता रहेगी वो रहेगी आने वाले समय में अपराधियों पर नज़र रखना, और उसके लिए इन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि तमाम जो बदमाश हैं उनको यहाँ पर चिन्हित कर लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना है जिनको जो बदमाश हैं अंजाम ना दे सके। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव शर्मा, A1 TV न्यूज जयपुर।